हाय गाइस, आई एम अदनान एंड यू आर वाचिंग टेक विद इंजीनियर चैनल। मैं आज आपको MIUI 12 के बग्स और इशू के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इसका सलूशन भी बताने वाला हूँ। अगर आपको डायरेक्ट सलूशन देखना है तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे की तरफ देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि मेरी हर वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। पहले के MIUI में कोई इशू नहीं था, पर जब से MIUI 12 और Android 11 का अपडेट मिला है, Xiaomi के डिवाइसेस में बहुत ज्यादा इशू आने लगे। जो सबसे बड़ा और सबसे पहला इशू मैंने देखा है वो है UI रिफ्रेश। अगर आपके Xiaomi मोबाइल में MIUI 12 का अपडेट आपको मिला है और आप इसको 20 मिनट या उससे ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ करते हो अपने मोबाइल को, तो आपने देखा होगा कि आपका UI रिफ्रेश होता है, पूरा नए सिरे से पूरा सिस्टम लोड हो जाता है। ये था सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू। सेकेंड इशू जो मैंने देखा है वो है हीटिंग प्रॉब्लम। अब जब आप कंटिन्यूसली 20 मिनट या 30 मिनट तक अपना मोबाइल यूज़ करते हो तो एक तो UI तो रिफ्रेश होता ही है, साथ ही साथ आपके मोबाइल में हीटिंग बढ़ जाती है क्योंकि वो बैकग्राउंड में अपने आप कितने सारे ऐप्स को यूज़ करने लगता है। वो ऐप्स हमने ओपन भी नहीं किए फिर भी बैकग्राउंड में वो ऐप्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हीटिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो है बैटरी रिलेटेड, और इसके रिगार्डिंग तो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा ही वीडियो सब लोगों ने बना दिया है और इसके सोल्यूशन भी इन लोगों ने बताया है, मैं आज इसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अब जब हीटिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो बैटरी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, और इतना फास्ट बैटरी ड्रेन होता है कि कुछ हद ही नहीं, 5000 mAh ऐसा लगता है कि 3000 mAh बैटरी में कन्वर्ट हो गया है। अब जब बैटरी इशू आ गया है तो इस रिलेटेड में अब फोर्थ इशू बताने वाला हूँ, वो है रैम इशू। जब आप गेम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, चाहे पबजी गेम है या फिर COD है या कोई और गेम है आप अपने रेडमी फ़ोन्स में यूज़ करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग होता है, और वो लैग इसलिए होता है कि ये रैम मैनेजमेंट इसमें बहुत ही ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से रैम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। और मैंने भी ये फेस किया हो कि मेरे फ्रेंड्स के मोबाइल्स के अंदर पिंग अराउंड 40-50 के आसपास रहती है, जबकि मेरे फ़ोन के अंदर पिंग पहले 40-50 रहती है, पर जब रैम ज़्यादा यूज़ हो जाती है तो पिंग 80-90 पर चले जाती है, और जिससे इतना ज़्यादा लैग होता है कि कुछ हद नहीं, अराउंड हाफ ऑफ द रैम यूज़ हो जाती है। और फिफ्थ प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है वो है लैग इशू। अब जब रैम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है, तो मैंने जो अभी बताया है कि मेरे मोबाइल में मैं जब गेम खेलता हूँ तो बहुत ज़्यादा पिंग आती है, जिसकी वजह से गेम बहुत ज़्यादा लैग होता है। हाँ, मैं गेम को गेम बूस्टर के साथ में यूज़ करता हूँ। अब गेम बूस्टर में तो बैकग्राउंड के ऐप्स बंद कर देना चाहिए, सिर्फ पबजी या फिर जो गेम मैं खेल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर फिर भी MIUI 12 आने के बाद में बहुत ज़्यादा लैग होता है। चाहे आपके पास अच्छा मोबाइल क्यों ना हो, 845 या 840 वाला भी प्रोसेसर होगा, फिर भी आपके मोबाइल में वो गेम लैग होता है। FPS 60 FPS से ड्रॉप होकर सीधा आपको 40 के आसपास मिलता है। अगर आप ये सब इशू फेस किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करो, और अगर मेरे से कोई इशू कवर करने में रह जाता है तो प्लीज़ उसे भी नीचे कमेंट करके बता दो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने और कौन से नए नए इशूज़ फेस किए। अब सिक्स्थ इशू के बारे में बताने वाला वो है ब्लैक स्पॉट। जब आप आपके मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करते हो या फिर आप ऐप में स्विच करते हो, तो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा होगा कि एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट आता है। वो थोड़ी देर के लिए रहता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है, पर ये ब्लैक स्पॉट क्यों आता है, किस वजह से आता है, ये भी पता नहीं चला, और ये सिर्फ MIUI 12 में ही देखने को मिला है, MIUI 11 में ऐसा कभी नहीं होता था। और ये ज़्यादातर जब होता है जब आप वीडियो को छोटी स्क्रीन में देखते हो और फिर रोटेट करके बड़ी स्क्रीन में देखने जाते हो, तब आपको ये ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। अब सेवेंथ इशू के बारे में बताने वाला वो ये है कि प्ले स्टोर का इशू है। ये प्ले स्टोर का इशू मैंने बहुत ज़्यादा देखा हूँ। जब भी मैं यूट्यूब को यूज़ करता हूँ, चाहे एक वीडियो देखता हूँ या फिर थोड़ा ज़्यादा यूट्यूब को यूज़ करता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। वो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ओपन होता है और अपने आप चले जाता है, पर ये बहुत ही अनोइंग है, जिसकी वजह से MIUI 12 में भरोसा ही उड़ गया है। जो हिसाब से ये लोग ने कहा था कि हम MIUI 12 को बनाने वाले, इसमें इतने सारे हम फीचर्स देने वाले, पर वो कुछ मिल ही नहीं रहे। साथ ही साथ ये लोग ने ये कहा था कि ये MIUI इनका सबसे फास्टेस्ट अब तक का MIUI वर्जन है, पर इसमें तो बहुत ज़्यादा हमें बग्स देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक काम Xiaomi ने बहुत अच्छा ये किया था कि MIUI 12 को ये लोग ने बहुत ज़्यादा फास्ट रोल आउट किया था, पर फास्ट रोल आउट के चक्कर में ये लोग ने बग्स निकालना भूल गए। आई होप अगर नेक्स्ट MIUI 12 का अपडेट मिलेगा तो इसमें ये सब बग्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो एट इशू मैंने देखा है वो ये है ऑटो टच। कभी कभी मोबाइल में अपने आप ऑटो टच हो जाता है।
अपने आप फोन लग जाता है, अपने आप एप्स खुलने लगते हैं बिना टच किए, और ये तो बहुत ही खतरनाक है। कभी कभी किसको भी फोन लग जाता है। अगर आपने ये इशू फेस किया तो प्लीज नीचे कमेंट करो, तो मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को ये इशू फेस हुआ था। अब 9th इशू ये है, नो एनिमेशन। MIUI 12 जब लॉन्च हुआ था तो ऐसा बता रहे थे कि इतने सारे इसके अंदर एनिमेशन दिए, ऐसा ये किया है वो किया है, पर जब अभी इसमें बहुत ज़्यादा बग्स आ गए तो कोई एनिमेशन दिखता ही नहीं है। ना ऐप्स को ओपन होने का एनिमेशन मालूम पड़ता है, ना ऐप बंद करने का, कुछ भी एनिमेशन, कुछ भी कभी भी पता ही नहीं चलता है। क्या मालूम क्या कर दिया ये लोग ने, पूरे MIUI सिस्टम की वाट लगा दी है। अब 10th इशू जो सबसे बड़ा इशू है, और वो मेरे हिसाब से सबने फेस किया होगा, और वो ये है रिबूट इशू। जब भी आप लैग फील करते हो तो आप अपने मोबाइल को रिबूट या फिर रीस्टार्ट मारते हो। जब भी आप रीस्टार्ट मारोगे तो रीस्टार्ट में ही वो लैग हो जाता है, 2-3 बार दबाना पड़ता है, उसके बाद वो रीस्टार्ट होता है। अब रीस्टार्ट में लैग होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सिस्टम उड़ नहीं जाए। आई होप ये सब इशू आप लोगों ने फेस किया होगा। अगर फेस किया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन कौन से इशू आपने फेस किए। अब मैं इन इशूज़ और बग्स के सोल्यूशन बताने वाला हूँ। मैं आपको 2 सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन और सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद सिस्टम अपडेट में जाना है, और उसके बाद आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज करके लिखा हुआ मिलेगा, उसको क्लिक करना है, जिससे आपको वापस से वही जो अपडेट मिला था रीइंस्टॉल हो जाएगा। और आगे का प्रोसेस तो आपको पता है कि वो फिर पूरा सिस्टम रिबूट होगा और नए सिरे से आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा। इससे काफ़ी हद तक आपके बग्स कम हो जाते हैं। और सेकेंड सोल्यूशन ये है कि आप सबको अपने मोबाइल में Xiaomi का सर्विस एंड फीडबैक ऐप ओपन करना है, और सबको जाके इशू सेक्शन में जाकर सबको रिपोर्ट मारना है। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने इस तरह सबको फीडबैक दिया था, आपको भी इसी तरह फीडबैक देना है, और जितना हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह फीडबैक को शेयर करें। और जितना ज़्यादा Xiaomi को फीडबैक मिलेगा, उतना ही वो लोग जल्दी रिजॉल्व करेंगे, और हम सबको एक नया अच्छा MIUI वर्जन का अपडेट देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, मैं उस पर नई वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। और मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लीज़ उसे जाकर फॉलो करो। थैंक यू।